गया में पूर्व जेडीयू युवा के जिला अध्यक्ष कमलेश शर्मा काफी चर्चे में रहे हैं। कमलेश शर्मा का तेजस्वी यादव के साथ फोटो वायरल होने पर पार्टी के द्वारा कमलेश शर्मा को निष्कासित करने के बाद कमलेश शर्मा ने जेडीयू के कई नेताओं पर आरोप लगाकर चर्चा में आए थे। उसके कुछ दिनों बाद राजद की सदस्यता ग्रहण कर खुद को टिकारी विधानसभा से राजद के संभावित उम्मीदवार बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले टिकारी में आयोजित एक कार्यक्रम में कमलेश शर्मा मंच से संबोधन में यह कह रहे हैं कि उन्हें लालू प्रसाद यादव के प्रतिदिन फोन पर बात होती है, वहीं चुनाव को लेकर चर्चा की जाती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर कमलेश शर्मा ने फोन पर बताया कि चूंकि लालू प्रसाद यादव के नाम लेने से कार्यकर्ता खुश होते हैं इसलिए नाम लिया है, लेकिन विरोधियों के द्वारा इसे गलत रूप में वायरल किया जा रहा है। कहा कि लालू प्रसाद यादव का नाम लिया लेकिन उसे लहजे में बोला गया था, ना कि बात होती है। हाँ, तेजस्वी यादव से फोन पर चुनाव को लेकर बातचीत होती है। ऑफिस ऑफिस सेट कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आएंगे। हम लोग का कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय हम लोग को तेज प्रताप जी के द्वारा हमारा कार्यालय का उद्घाटन होगा और सब साथी हम लोग मिलजुल के और यहाँ से निश्चित रूप से आप मन बना लीजिए कि कोई दुनिया का ताकत रोकने वाला नहीं है। अब 2020 का जो चुनाव होगा उसमें ललटेन का झंडा फहरेगा और ललटेन का प्रत्याशी यहाँ विजयी होगा। राजद नेता लालू प्रसाद यादव अभी चारा घोटाला में जेल काट रहे हैं। लालू जी दो मामलों में सजा काट रहे हैं, जबकि अभी कुछ ही दिन पहले उनकी सुनवाई चल ही रही थी। अगर उनकी पार्टी के नेता जो कुछ दिनों से ही आए हैं और वो कहते हैं कि लालू जी से हमारी टेलीफोन पे बात होती है और मोबाइल पे बात होती है, तो यह बात पूरी तरह से कानून का उल्लंघन की बात है। देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति जेल में हो उससे फ़ोन से बात करना क्या संभव है? ये बिल्कुल संभव वाली बात नहीं है। रही बात टिकारी विधानसभा की और चुनाव प्रचार की, तो यह लोकतंत्र है, यहाँ पे सब लोग आज़ाद है चुनाव प्रचार के लिए और चुनाव की तैयारी के लिए। लेकिन एक बात याद रखें, NDA विकास के बूते मैदान में है और जनता बखूबी समझ रही है, किसी से कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। NDA सरकार क्या की है और क्या नहीं की है, कल तक यही आदमी माननीय मुख्यमंत्री का गुणगान करने वाले आज किस तरह से लालू प्रसाद यादव के गुणगान कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। क्या ये राजनीति तो यही है देखा जाए तो।